स्वामी जी, अभी हमारे एक रिलेटिव गले के कैंसर से मृत्यु को उपलब्ध हुए। मैं उनको देख के बहुत सहम गया और मैं देखता हूँ कि तंबाकू की आदत मुझे भी पड़ी हुई है। मैं भी गुटखा खाता हूँ, तो मैं इसको छुड़ाने के लिए क्या करूँ? और आपसे मुझे गुजारिश है कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो लाखों लोग गुटखा खाते हैं उनको गुटखा छोड़ने में आसानी हो, और सरकार द्वारा चलाए गए प्रयास जो तंबाकू के ऊपर, जो गुटखे के ऊपर चित्र बने होते हैं वो काफी नहीं लगते, तो लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, इस संबंध में कुछ कहें। बड़ी अच्छी बात कही, तो मुझे एक घटना याद आ गई। पहले मैं थोड़ी घटना सुना देना चाहूंगा। एक बार मैं गोरखपुर की तरफ सफर कर रहा था, यूपी ईस्ट का एरिया, तो वहां पे ट्रेन में एक व्यक्ति लगातार 5-5 मिनट रुक के तंबाकू खाए जा रहा था, गुटखा। मुझे बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा, मित्र, ये गुटखे के ऊपर जो बिच्छू बना हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि ये क्यों बना है? उसने उससे कहा कि पहले नकली पुड़ियां आने लगी थी, तो सरकार ने ये बिच्छू बनाया है उन पुड़ियों के लिए कि जो असली होती। मुझे उस पर बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, अगर तेरी बात ये नियम बनाने वाले लोग सुन लें तो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि नियम बनाने वाले कुछ विज्ञान को या तो जानते नहीं है या आपको बताते नहीं है। चलिए आपको आज उस विज्ञान से थोड़ा सा परिचित कराएं तो छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। हमारे दिमाग की एक खास कार्य प्रणाली है। वो कार्य प्रणाली इस तरीके से काम करती है कि जिन चीजों के संबंध में हमारे दिमाग में बहुत अच्छे विचार डाले गए हैं पहले से, यदि उन चीजों के साथ, उन चीजों के नाम के साथ अगर हम किसी को थोड़ा सा धोखा, किसी को थोड़ा नुकसान देने वाली चीज भी दें तो वो आसानी से खा जाता है। जैसे इसे ऐसे बोलते हैं, मक्खन के साथ चूना। मक्खन के साथ आदमी चूना भी खा सकता है। तो आपने देखा होगा कि इन तंबाकू की पुड़ियों के नाम क्या होते हैं, जरा गौर करें। तंबाकू की पुड़ियों के नाम होते हैं पानपराग, रजनीगंधा, सदाबहार, दिलबाग, गोपाल। बड़े अजीब अजीब तरीके से नाम रखे गए जो बहुत अच्छे नाम हैं। तो जब कोई आदमी गुटखा लेने जाता है दुकान पे तो वो उसे ये नहीं कहता कि मुझे तंबाकू की पुड़िया दे दो, वो उसे नाम का संबोधन करता है, कहता सुगंधा दे दो, कन्हैया दे दो। तो उसके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन जा रही होती है कि मैं सुगंधा खा रहा हूं। इस सुगंधा के संबंध में एक बहुत अच्छे अच्छे विचार है, कन्हैया के संबंध में और भी अच्छे अच्छे विचार। तो उसके दिमाग के बाद जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके की जाती है कि वो कोई अपने शरीर को नुकसान देने वाली चीज नहीं ले रहा। तो यदि वास्तव में किसी को तंबाकू छुड़ाना है तो एक बहुत सरल सा उपाय है। जैसे मैं कहता हूं कि तंबाकू की पुड़ियों के नाम अगर ऐसे रख दिए जाएं कि फेफड़ा खराब कर पुड़िया, कैंसर बनाए पुड़िया, जल्द मार डालने वाली पुड़िया, अगर ऐसे नाम रख दिए जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है उन पुड़ियों को खरीदने जाएगा। कोई जाके नहीं कहेगा कि ये फेफड़ा खराब कर पुड़िया दे दो, उन पुड़ियों की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो सरकार तो ये करेगी नहीं, क्योंकि उसको एक तरफ लालच है बहुत ज्यादा आयकर का, और दूसरी तरफ जो है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं।
लेकिन आप जो ये छोड़ना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा वो एक काम ये कर सकते हैं कि अपनी जेब में थोड़े से काजू या बादाम के टुकड़े डाल लें, 8-10 काजू या बादाम डाल लें, टॉफी डाल सकते हैं अच्छी सी। इस तरीके से 8-10 आप अपनी जेब में काजू बादाम या टॉफी डाल के आप दिन में घूमें। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनको कहूंगा कि जिस समय पुड़िया खाने का मन करे वो काजू खाएं। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल आप पुड़िया खाएं, लेकिन एक काम करें, आप जिस समय वो पुड़िया खाएं उस समय आपके पड़ोस में आपका दोस्त, आपका रिलेटिव या कोई भी इंसान जो हो, आप उसको एक बार बुलाएं और कहें, भाई मैं जहर की पुड़िया खाने जा रहा हूं। शब्द यह ध्यान रखें ऐसी कि मैं तो फेफड़े खराब करने वाली या जहर की या अपने को नुकसान पहुंचाने वाली चीज खाने जा रहा हूं, आप काजू खाएं। ऐसे करके दिन में 10 बार अगर वो पुड़िया खाता है तो 10 बार वो ऐसा करे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर उसका शरीर पुड़िया के प्रति जो रुचि दिखाता है उसको इनकार कर देगा। लेकिन शब्द ध्यान रखें, उसको कहें कि भाई आप ये स्वास्थ्य की चीज खाएं, काजू खाएं, बादाम खाएं, मैं जहर की पुड़िया खा रहा हूं। ये शब्द ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द ही आपके शरीर में, आपके दिमाग को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे जिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से उसके अंदर आपकी पुड़िया के प्रति अलर्टनेस लगेगी। प्रयोग करके देखें उसके बाद।